हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी आपको कि फ्लोट कीवर्ड जो हमारा डेटा टाइप होता है, फ्लोट हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मेरा जिस नाम से प्रोजेक्ट है जावा कोड, मैंने वो ओपन करके रखा है पहले से। इसके अंदर मैं एक न्यू क्लास डिज़ाइन करूँगी और मैं अपना क्लास का नाम लिख रही हूँ यहाँ पर, डेमो 6। अपनी क्लास को खोलूँगी और यहाँ पर मेरी क्लास तैयार हो रही है डेमो 6 नाम से। क्लास में जाएंगे, अंदर इसको मैक्सिमाइज करेंगे, सारा सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, कंट्रोल एट मदद से आप सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। यहाँ पर हम हमारा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मेरी क्लास का नाम लिखूंगी मैं स्मॉल लेटर्स में। क्लास कीवर्ड है, ये कीवर्ड है रिजर्व वर्ड है, हम इसको एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद डेमो 6 जो हमारी क्लास का नाम है, हमें उसको एज इट इज लिखना होगा। उसके बाद प्रोग्राम लिखने की स्पेस क्रिएट करेंगे और अंदर आपको यहाँ मेन फंक्शन में लिखूंगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ब्रैकेट खोलेंगे, बंद करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं हमारा मेन फंक्शन है और जावा में ये क्लास के अंदर लिखा जाता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, सारे स्मॉल में। जावा के केस सेंसिटिव होते याद रखें, जब आप लिख रहा है तो ये एज इट इज़ हो। ब्रैकेट के बाद अगली लाइन में आएंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, बंद करेंगे। शिफ्ट कंट्रोल आई की हेल्प से स्टेटमेंट लिखने की जगह बनाएंगे। येलो पार्ट पर आएंगे, टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम हमारा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि फ्लोट नंबर्स जब हमारे पास डिवाइड करने के बाद जब आंसर हमारे पास पॉइंट में आता है तो उसको कैसे प्रिंट करें। तो हमेशा याद रखेंगे कि इस तरीके से अगर हमें आंसर प्रिंट करवाना है, पॉइंट में हमें अगर वैल्यूज प्रिंट करवानी है, तो हमें यहाँ फ्लोट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर हमेशा हमें होल नंबर देता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो अपने वेरिएबल लूँगी इंटीजर टाइप के, जिसके अंदर मैं वैल्यू दूंगी एक में इवन एक में ऑड, इसलिए क्योंकि इवन ऑड को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कुछ पॉइंट्स में मिलेगा। तो डिवाइड करने के लिए जब मैं संख्या ए और बी में डालूंगी वो मैं इंटीजर में होल नंबर में इंटीजर वैल्यू में डालूंगी, लेकिन आंसर मुझे यहाँ पर डेसिमल में चाहिए, जिसको मैं सी डेटा टाइप फ्लोट का वेरिएबल मैंने बनाया सी, जिसमें मैं आंसर स्टोर करूंगी। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, हमने ए में दिया 9, पी में दिया 2 और यहाँ पर सी में हमने ए को पी से डिवाइड करा और हमने आंसर प्रिंट करेंगे जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में। याद रखेंगे जावा केस सेंसिटिव है, तो जैसा आप लिख रहे हैं आपको एज इट इज प्रिंट करना होगा। सिस्टम हमारी क्लास है, आउट स्ट्रीम है, प्रिंट में एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम कुछ प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ मैं कमेंट के साथ प्रिंट कराऊंगी, लिखूंगी आंसर इज भारत कॉन्केटनेशन ऑपरेटर की हेल्प से वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। कंट्रोल के साथ हमने कंपाइल करा, प्रोग्राम में कुछ एरर नहीं है। विंडो क्लोज करके मेन शीट पर आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे वॉइड मेन। मेरा लेटेस्ट आंसर है, बाकी दो आंसर मेरे ओल्ड है। अगर आपको देखना है तो आप एक बार क्लियर स्क्रीन करके फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम वापस से हमारे प्रोग्राम पे जाएंगे, हमारी जो प्रोजेक्ट है जो जावा कोड के नाम से उसमें जाएंगे, डेमो 6 पर राइट क्लिक करके एक बार एग्जीक्यूट फिर से करेंगे तो आपके देखिए आंसर इज 4.4। लेकिन आंसर जब हम 9 और 2 को डिवाइड करते हैं तो 4.5 आता है। इस कोड में हम देखेंगे इसमें हो क्या रहा है और हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने दो इंटीजर वैल्यू ली और हमेशा देखेंगे दो इंटीजर वैल्यू को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर इंटीजर में ही आएगा। तो अगर 4.5 आ रहा होगा तो यहाँ पर ये 4 फेच करेगा और सी क्योंकि फ्लोट है तो सी को 4.0 बना के दे देगा। अगर हमें टोटल फ्लोट में ही आंसर देखना है तो उसके लिए हमें यहाँ कन्वर्जन करना होगा। हम यहाँ पर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन अप्लाई करेंगे। याद रखें कन्वर्जन मतलब एक डेटा टाइप से जब वैल्यू दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। दो तरीके से कन्वर्जन होते हैं, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट जावा खुद परफॉर्म करता है, एक्सप्लिसिट यूजर करता है फॉर्सली कन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जो हमारे लो रेंज के जो डेटा होते हैं उनको हाई में हाई वैल्यू या हाई प्रेसिडेंस में हम कन्वर्ट करते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट जब मतलब जो जावा की तरफ से होता है, जहाँ डेटा में कुछ लॉस आने के चांसेस नहीं होते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में होता है जहाँ पर मतलब लॉस आने के चांसेस होते हैं काफ़ी, मतलब डेटा में लॉस हो सकता है, प्रिसिशन कुछ डेटा हमारा ट्रंकेट भी हो सकता है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इसलिए यूज़र की मदद से कराया जाता है, यूज़र के हाथ में दिया गया सब कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर डेटा कुछ जाने के चांसेस भी होते हैं। तो अगर मैं करूँ मतलब मुझे पता है कि मेरा डेटा जा सकता है तो मैं खुद से करूँगी, चांसेस नॉन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है जो जावा खुद कर सकता है, जहाँ पर हमारे लो ग्रेड वैल्यू जो होती है, जो लो
ये तो सब हम जो छोटे डेटा टाइप है वो हम बड़े में भेज रहे हैं, जैसे 2 में मेरा इंटीजर, मैं उसको 2.0 करके फ्लोट बना सकती हूँ, उसको डेटा का लॉस नहीं है। लेकिन अगर 2.5 फ्लोट वैल्यू है उसको मैं इंटीजर बना रही हूँ, डायरेक्ट 2.5 मेरा डेटा यहाँ लॉस हो रहा है। जैसे यहाँ पर डेटा लॉस का केस होता है एक्सप्लिसिट हो जाता है, तो वो यूज़र के हाथ में होता है कि यूज़र उसको अपने हिसाब से करें, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन अप्लाई कर रही हूँ, लाइन को अपने बी से डिवाइड करा, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन अप्लाई करा, उसको फ्लोट में चेंज करा, आ सब चला है, उसको सी में दिया, प्रिंट करा। कंट्रोल क्लिक की हेल्प से हम देखेंगे हमारे पास कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। विंडो क्लोज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर वॉइड मोड पर क्लिक करेंगे। हमने जब यहाँ वॉइड मोड पर क्लिक करा तो मुझे अब यहाँ आंसर मिल चुका है 4.5, जो एग्जैक्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। तो अगर मुझे फ्लोट वैल्यू से डील करना है, या अगर मुझे फ्लोट में आंसर चाहिए किसी भी चीज़ का, तो इस तरीके से हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन अप्लाई करेंगे और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं फिर से बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी आप सबका कि आप मेरी वीडियो को देखा और उसको लाइक करा। थैंक यू सो मच।